फ्रांस के मिडफील्डर पॉल पोगबा ने मंगलवार को एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से शुरू होने से पहले टेबल पर रखी हैंकिंग बियर की बोतल को हटाकर लोगों को हैरान कर दिया है। इसे एक दिन पहले पुर्तगाल के कैप्टन क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने न्यूज कॉन्फ्रेंस से पहले टेबल पर रखी कोका कोला की बोतल हटाई थी। जर्मनी के खिलाफ मैच में फ्रांस की जीत के बाद पोगबा को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। पोगबा जब न्यूज कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो उन्हें अपने सामने बियर की बोतल रखी दिखी जिसे उन्होंने हटा दिया। यूईएफए यूरो की हैंकिंग ऑफिशियल स्पॉन्सर है। कंपनी ने इस बारे में कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। क्रिस्टियानो ने सोमवार को कोका कोला की दो बोतल हटाई और लोगों को पानी पीने का सुझाव दिया था। हालांकि इन दोनों प्लेयर्स के इस कदम पर यूईएफए अथॉरिटीज की तरफ से उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है क्योंकि ये दोनों ब्रांड यूरो कप के ऑफिशियल स्पॉन्सर है। इन दोनों प्लेयर्स पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। क्रिस्टियानो की कोका कोला के बोतल हटाने के बाद कंपनी के शेयर प्राइस में भी गिरावट आई। बोतल हटाने के क्रिस्टियानो के वीडियो को सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है।